लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीदी कौशल्या, जो बात हम आज कहने जा रहे हैं हमें बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। तुम सत्य कह रही हो, परंतु हर काम का अपना समय होता है। और फिर हमारे राम के मन में ये बात नहीं उठती होगी? अवश्य उठती होगी, परंतु राजमाताएं होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। माता, प्रणाम माता। प्रणाम जी तेरा। प्रणाम माता जी तेरा। प्रणाम माता। आपने हमारा स्मरण किया माता? जब से तुम अयोध्या लौटी हो हमें तो बिल्कुल भूल ही गई। राम का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती। आओ बैठो। आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? पुत्र, ये स्त्रियों की बातें हैं, हम सीता से कह देंगे, सीता ही तुम्हें कह देगी। तुम जाओ पुत्र। जैसी आपकी इच्छा माता। प्रणाम भैया। प्रणाम माताश्री। माताश्री, आपने हमारा स्मरण किया तो हम समझ गए आपने सीता दीदी को अवश्य बुलाया हो। तुम जानती हो हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? माताश्री, यदि आप हमें नहीं भी बुलाती तब भी हम आपके दर्शन करने अवश्य आते। सीता, तुम बहुओं में सबसे बड़ी हो, तुम्हें अपने कर्तव्य का ध्यान होना चाहिए। माताश्री, क्या मुझसे कोई भूल होगी? इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है कि राजमहल अभी तक सुना है। तुम लोगों के विवाह को 14 वर्ष बीत गए और हम माताएं राजकुमारों की किलकारियां सुनने के लिए तरस रही हैं। क्यों है ना दीदी? कई तुम ठीक कह रही हो, इन बहुओं को हम माताओं की चिंता ही नहीं। तुम सब चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? इसमें हमारा क्या दोष है माताश्री? ये तो विधाता की इच्छा पर निर्भर है। हाँ, तुम सत्य कहती हो उर्मिला, ये सब विधाता के हाथ में है। मैं राम से बात करूंगी और मैं राम से अभी मिलूंगी। भैया, जब आपकी पादुकाएं अयोध्या राज सिंहासन पर विराजित थी तब भी पूरे आर्यावर्त के राजाओं से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राम, माताश्री, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? राम, हमने तुम्हें बुलाया अवश्य था, पर तब हम अपनी बात पूरी कह न पाए थे। जिस प्रकार तुम लोगों को पाने के लिए तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी करना होगा। सारी अयोध्या नगरी राजकुमारों की किलकिलाहट सुनने के लिए तरस रही है। मौन क्यों हो? क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं?
माताश्री, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? परंतु इसके लिए पुत्र इष्ट यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तो भगवान शिव की कृपा अब तक क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें हमारी आकांक्षाओं का पता नहीं? वो तो सब कुछ जानते हैं। माताश्री, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, परंतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी भक्ति और आराधना की आवश्यकता होती है। माता, हम लंका के युद्ध में भी तो भगवान शिव की कृपा से ही विजयी हुए थे। तुम सत्य कह रहे हो लक्ष्मण। माता श्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए हम भगवान शिव की आराधना अवश्य करेंगे। राम हम सब में बड़े हैं और वे ये पूजा संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी सबसे पहले संतान की प्राप्ति भैया राम को ही होनी चाहिए। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। वे जो करेंगे उसका पुण्य तो हमें प्राप्त होगा ही। हनुमान भैया, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हनुमान, क्या तुम नहीं जानते कि भैया राम ये शिव आराधना क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम सभी अयोध्या वासियों को एक युवराज की आवश्यकता है? है, बिल्कुल है। और हम चारों भाइयों को भी अपनी अपनी संतान की प्राप्ति होनी चाहिए? चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। अर्थात भगवान शिव सिया राम की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, है ना भैया? हाँ। जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान, हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। जय श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण। हनुमान, बड़े लंबे समय के बाद तुम्हें इतना प्रसन्न देख रहा हूँ। क्या कोई शुभ समाचार है? गुरुदेव, इससे अधिक शुभ समाचार क्या हो सकता है कि अयोध्या के युवराज और श्री राम भ्राताओं को राजकुमार मिलने वाले हैं। जय श्री राम। हनुमान हनुमान हनुमान, राजकुमार मिलने की सूचना मात्र से तुम इतने प्रसन्न हो, तो राजकुमार मिल जाने पर तुम्हारी प्रसन्नता की क्या सीमा होगी? तुम तो सारे संसार में नारायण नारायण। गुरुदेव, बात ही कुछ ऐसी है। मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता राजकुमार की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, और आप तो भलीभांति जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता की शिव पूजा असफल हो ही नहीं सकती। वो तो ठीक है हनुमान, परंतु तुम इतने प्रसन्न होने से पूर्व स्वयं भगवान शिव से क्यों नहीं पूछ लेते? गुरुदेव, आप भी तो देवों के ऋषि हैं, आप भी तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। और तुम भी तो रुद्र अवतार हो हनुमान, तुम्हारी दिव्य दृष्टि मुझसे कम तो नहीं हो सकती। तुम स्वयं भविष्य में झांक कर देख लो, सत्य असत्य का पता चल जाएगा। ना गुरुदेव ना, भविष्य में झांकने की वृत्ति मेरी नहीं है। मैंने वानर कुल में जन्म लिया है, इसीलिए वानर वृत्ति ही अपनाता हूँ। जो सामने दिखाई देता है उसी पर प्रसन्न या दुखी हो जाता हूँ। मेरी बात मानो हनुमान, इसी बहाने भगवान शिव तथा माता पार्वती के दर्शन भी हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जब आपने दर्शन की बात कही है तो आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। प्रणाम। हनुमान, तुम ये भली भांति जानते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
इस समय मानव लीला कर रहे हैं। वे साधारण मनुष्यों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रत्येक धार्मिक मनुष्य को करना चाहिए। हनुमान, विधाता का विधान कुछ और होता है और पूजा और प्रार्थना का फल कुछ और। यदि आराधना, पूजा और प्रार्थना से विधि के विधान को बदला जा सकता तो संसार में कोई दुखी नहीं होता और सब के सब अमर हो जाते। पूजा और प्रार्थना से मन को संतोष और शक्ति तो अवश्य मिलती है, परंतु जो हो रहा है या होता है उसे रोका नहीं जा सकता। महादेव, महादेव, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम और माता सीता तथा तीनों राम भ्राताओं को पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं? नहीं, नहीं। हां हनुमान, इसके लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। देवी सीता को अपनी संतान का सुख आज की परिस्थितियों में नहीं मिलेगा। अकस्मात ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जिसकी तुम इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों प्रभु? कि आपका कैसा क्रूर विधान है? देवी, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श राजा और आदर्श पुरुष होने का उदाहरण संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार धरणी सुता देवी सीता आदर्श नारी के आदर्श भी संसार के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। ऐसा लगता है उन दोनों की परीक्षाओं का अंत अभी नहीं हुआ है। ऐसा न कहिए महादेव, ऐसा न कहिए। माता सीता को कोई भी कष्ट हो इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, इतने भावुक ना बने। हम जानते हैं कि हमने तुम्हें आवश्यकता से अधिक बता दिया। हम यह सब कुछ ना भी बताते तो भी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाता, परंतु रुद्र और रुद्रावतार के बीच रहस्य छुपाने का कोई अर्थ नहीं है। जाओ हनुमान, तुम्हारा कल्याण। कह रहा हूँ, ऐसे धराशायी किया कि उसे उठाकर आकाश में उछाल दिया और प्रचंडा सुर एक गहरी खाई में जाकर गिर गया। अरे भाई, सुना तुमने? हमारे सीताराम अयोध्या का युवराज पाने के लिए भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। हाँ, जब से सुना है तब से मन प्रसन्न हो रहा है। हमारे सीताराम कितने महान हैं, उनका होने वाला पुत्र भी महान होगा, सुंदर होगा, यशस्वी होगा। अरे इसमें क्या संदेह है, हम सब अयोध्या वासियों की शुभकामनाएं श्री राम सीता के साथ हैं। अरे भाई, शिव जी की कृपा से उनकी आराधना अवश्य पूरी होगी। अरे भाई महाराज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी तो सीता बन जाना चाहिए। चारों बंधुओं के राजकुमार जब अयोध्या में प्रकट होंगे तो कैसा आनंद छाएगा, तनिक कल्पना भी की है? अरे भाई, उस आनंद का पूछना ही क्या, सती सीता के पुण्य प्रताप से ही वो आनंद देखने को मिलेगा। जब से सती सीता के चरण अयोध्या में पड़े हैं, अयोध्या नगरी पुण्य नगरी बन गई है। अरे तुम्हारी सीता राक्षसों के राजा रावण की बंदनी बन कर रही है, न जाने कितनी बार उस पापी की कुदृष्टि तुम्हारी सीता पर पड़ी होगी और फिर भी तुम लोग उसको सती मानते हो। धन्य हो तुम लोग, धन्य हो, पता नहीं तुम्हारा। ए रजक, तू भी कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है तू? ऐसा कहते तुझे लाज नहीं आई? लाज? मन की बात कहने में लाज कैसी भैया है? राम राज्य है, यहाँ हर नागरिक को अपनी बात अपनी तरह से सोचने और कहने का पूरा पूरा अधिकार है। अपना अधिकार अपनी गठरी में रख। यदि सीता मैया के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अरे तुम लोगों की आंखें चुंधिया गई हैं सीता के नाम से, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है।
मैं तो कहता हूँ कि जो नारी पर पुरुष की बंदनी बनकर रही है उसको महारानी बनने का कोई अधिकार नहीं। बाकी जो कहना है तुम लोग कहते रहो। अरे चुप होता है कि नहीं, हमें नहीं सुना तेरा प्रलाप, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे बुद्धि मेरी नहीं, तुम सबो की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बलिहारी है, बलिहारी है। चलो उठ यहाँ से, चल चल यहाँ से, चल यहाँ से, भाग। अरे बलिहारी है तुम्हारी, बलिहारी, समझे कि नहीं, बलिहारी है तुम्हारी। अरे सुनो, समझाओ उनको, बलिहारी है, बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट हो गई है, समझाओ। वाह 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 वाह, राम राज्य है। अरे कैसा राम राज्य, बलिहारी है। सचमुच प्रभु राम राज है। सपेरे जाते हुए कहते हो संध्या को चूड़िया लेता आऊंगा, संध्या को आकर कहते हो कल लाऊंगा, एक ही बार में क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारी कलाएं जीवन भर सुनी रहेंगी, मैं तुम्हें लाख की चूड़िया भी नहीं बना सकता। मैं क्या करूं सुकेशा, इतनी भिक्षा नहीं मिलती कि मैं तेरे लिए चूड़ियों का प्रबंध कर सकूं। उस दिन तो कह रहे थे कि रामराज आ गया है, धनी निर्धन सब समान सुख पाएंगे, कोई किसी बात के लिए तरसेगा नहीं, सबकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्या यही है रामराज? मैं तो अपने सुहाग की चूड़ियों के लिए तरस रही हूँ। रामराज को दोष न दो भाग्यवान, ये तो हमारे भाग्य का दोष है। अब सबके भाग्य एक जैसे तो होते नहीं, राजा और रंक में कुछ तो अंतर होता है ना। तो फिर रामराज का राग अलापना छोड़ दो, राजा राम हमारे लिए सब कुछ करेंगे, महारानी सीता हमारे हाथों पे चूड़िया पहनाएंगी, यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। अब आगे से मेरे सामने रामराज का नाम मत लेना तुम। हनुमान तुम अकस्मात कहाँ चले गए थे? हनुमान मुझे तुम्हारा ही स्मरण हो रहा था। माता मुझे कुछ आभूषणों की आवश्यकता है। आभूषण? कहीं चुपचाप ब्याह तो नहीं रचा कर आए हो हनुमान? माता आप बाल ब्रह्मचारी हनुमान से ऐसा विनोद न कीजिए। तो फिर किस लिए चाहिए आभूषण हनुमान? प्रभु मैंने सोचा था कि राम राह जाने से अयोध्या में सब सुखी हो जाएंगे, निर्धन धनवान हो जाएंगे, सबकी कामनाएं तृप्त हो जाएंगी, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए तरसेगा नहीं। परंतु प्रभु। परंतु क्या हनुमान? परंतु अयोध्या में ऐसी अभागी स्त्रियां हैं जो अपने सुहाग की चूड़ियों के लिए भी तरस रही हैं। माता जब कभी धनवान महिलाएं आभूषणों से सज धज कर उनके सामने से निकलती हैं तो वे अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती हैं, रोती हैं। क्या राम राज उनके आंसू पहुंच नहीं सकता? प्रभु प्रभु ये मैं क्या सुन रही हूं? अयोध्या वासियों की दुर्दशा देखकर हनुमान के हृदय को अवश्य चोट पहुंची होगी। राम राज को राम राज्य बनाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। सीते अब तक हम अंधेरे में थे। प्रभु अयोध्या वासियों के लिए राम राज के कोषागार खोल दीजिए। राम राज में जो अपार संपत्ति है उसे वंचित निर्धनों में बांट दीजिए। माता आभूषण विहीन महिलाओं को अपने हाथों से आभूषण प्रदान कीजिए। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, एक राजा होने के नाते हमने अपने कर्तव्य का पालन करने में कहीं ना कहीं कोई चूक अवश्य की है। हम उस चूक का परिमार्जन करेंगे। लक्ष्मण आज्ञा भैया। महामंत्री सुमन से कहकर अयोध्या वासियों में घोषणा करवा दो कि अयोध्या महारानी देवी सीता उन सौभाग्यवती महिलाओं को भूषण प्रदान करेंगी जो अब तक आभूषणों से वंचित हैं। ऐसा ही होगा भैया।
आओ सीधे। जय श्री राम।